हेलो नमस्कार, मैं रितेश दलाल फ्रॉम फिजिक्स एजु पॉइंट कोल्हापुर। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ मैं डिस्कस करने के लिए आया हूँ। जहाँ पर मैंने कार दिखाई है, कार का कलर आपको ब्लू दिख रहा है, लेकिन जो हेडिंग दिख रहा है वो बता रहा है कि ब्लू दैट इज एंड ब्लू। मतलब क्या है कि इस कार में 1% भी कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और आप सोच रहे होगे कि ब्लू कार दिख रही है तो ब्लू कलर का इस्तेमाल किया गया होगा, तो 1% भी ब्लू कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन फिर भी ये कार मुझे ब्लू दिख रही है। जापान की एक कंपनी है लेक्सस, जिन्होंने स्पेसिफिक एडिशंस, लिमिटेड एडिशंस इस कार की तैयार की है। तो इसके पीछे का जो बेसिक साइंस है वो हमें अंडरस्टैंड करना है। उससे रिलेटेड और एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे पिकॉक दिख रहा है, बीटल दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर इनके होते हैं, लेकिन अगर सच देखा जाए तो इनके पास ऐसा कोई भी पिगमेंट नहीं है जो कि इस कलर को जनरेट करता है। मतलब इनके पास किसी भी तरीके से कलर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक फिजिक्स का इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिसे हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस, उसी प्रोसेस से इन सभी को कलर्स मिलते हैं। तो 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर होता है इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन, जिसको अगर आप डिटेल में पढ़ते हो तो वो सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। लेकिन मैं यहाँ पर उस सब्जेक्ट को डिस्कस करने के लिए नहीं आया हूँ। हम लोग जो फिनोमिनन कार के बारे में बतानी थी मुझे, उसको हम लोग इस एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बटरफ्लाई दिखाया गया है, मॉर्फो बटरफ्लाई। इसकी जो विंग है, उसकी जो अरेंजमेंट है, उसको देखने के बाद हमको लगेगा कि शायद इसका कलर जो है ब्लू है। लेकिन इसको अगर जूम करते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से नजर आएगा। और इसको जूम किया जाए तो अंदर एक पर्टिकुलर पैटर्न में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। उसको और करीबन 15,000 टाइम मैग्नीफाई किया जाए, जूम किया जाए, तो एट द एंड हमें कुछ इस तरीके से क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पर व्हाइट लाइट जब इंसिडेंट होता है तो बाकी कोई भी कलर यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होता है, सिर्फ ब्लू कलर ही रिफ्लेक्ट होता है। या जो कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर, उसमें कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस जो होगा वो ब्लू कलर से रिलेटेड ही होगा। मतलब व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रहा है और सिर्फ रिफ्लेक्शन जो मिल रहा है वो ब्लू कलर का मिल रहा है यहाँ पर। इसमें कार में सेम मैकेनिज्म अप्लाई किया गया। करीबन 10 साल रिसर्च करने के बाद, कई घंटों का रिसर्च करने के बाद ऐसे कोई एलिमेंट्स, मटेरियल तैयार किया गया जिसमें कलर तो नहीं है, लेकिन जिसमें जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो बटरफ्लाई में मिल रहा था, उसी तरीके से क्रिस्टल स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया है, जिस पर अगर व्हाइट लाइट इंसिडेंट होता है तो सिर्फ और सिर्फ हमें ब्लू लाइट ही रिफ्लेक्ट होके मिलता है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट होते हैं फिजिक्स में, जो कि आप जैसे 11th और 12th JEE और नीट के हिसाब से पढ़ना शुरू कर देते हो तो आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगी।